7.3 पौधों में जैविक प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। काफ़ी लंबे समय से लोग यह समझते रहे कि कई जैविक क्रियाएं जो जंतुओं में होती हैं पौधों में नहीं होती। लोगों में यह धारणा थी कि सिर्फ मिट्टी से पौधों को जीवित रहने और बढ़ने के लिए सभी पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। करीब 2000 साल पहले से अरस्तु की यही मान्यता थी। महज 400 साल पूर्व से किए गए प्रयोगों के नतीजों से हम आज पौधों में होने वाली जैविक क्रियाओं के बारे में बहुत कुछ जान पाए। 7.3.1 पोषण व श्वसन, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। 17वीं शताब्दी में वॉन हेलमंट नामक एक वैज्ञानिक पौधों के पोषण और उसमें मिट्टी और पानी की भूमिका का अध्ययन कर रहे थे। लगभग 2 किलो के विलो के पौधे से उन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया। उन्होंने विलो के पौधे को एक गमले में लगा दिया। इस गमले की मिट्टी को प्रयोग शुरू करने से पहले ही तौल लिया। गमले को अच्छी तरह ढक कर रखा जिससे उसमें पानी के अलावा कोई अन्य चीज़ न जा सके। हेलमंट नियमित रूप से नापे गए पानी से पौधे को सींचते रहे। 5 साल बाद उन्होंने गमले की मिट्टी और पौधे का वजन ज्ञात किया। उन्होंने पाया कि एक तरफ जहां पौधे का वजन लगभग 35 गुना बढ़ चुका था, गमले के वजन में महज 50 ग्राम का अंतर आया था। अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे मिट्टी से नहीं बल्कि पानी से बढ़ते हैं। इस प्रयोग से एक तरफ जहां एक लंबे समय तक चली आ रही धारणा टूटी कि पौधे अपना भोजन मिट्टी से लेते हैं, वहीं दूसरी ओर पौधे के पोषण में पानी की भूमिका के बारे में पता चला। इसमें हेलमंट हवा की भूमिका को नज़रअंदाज कर गए। दरअसल उन दिनों हवा पर अध्ययन शुरू ही हुआ था और इसमें पाए जाने वाले गैसों के बारे में खोज चल रही थी। पौधे के पोषण में गैस की भूमिका के बारे में इसके लगभग 100 साल बाद पता चला। जोसेफ प्रिस्टले नामक एक वैज्ञानिक ने हवा में एक गैस को खोजा था जिसमें चीज़ें बहुत तेज़ी से जलती थीं। हवा के अवयवों तथा उन पर पौधों और जंतुओं की भूमिका के संदर्भ में प्रिस्टले अपना प्रयोग कर रहे थे। उनके प्रयोग का विवरण चित्र क्रमांक 12 में दर्शाया गया है। चित्र देखकर बताइए कि अ, ब, स एवं द परिस्थितियों में प्रिस्टले के क्या अवलोकन रहे होंगे। प्रिस्टले के प्रयोग में ब एवं द परिस्थिति में क्रमशः मोमबत्ती जलती रही व चूहा जिंदा रहा, ऐसा क्यों? प्रिस्टले ने पाया कि अ एवं स परिस्थितियों में क्रमशः कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ गई व चूहा मर गया। ब व द परिस्थितियों में पौधे के कारण मोमबत्ती जलती रही और चूहा भी जिंदा रहा। इससे प्रिस्टले ने निष्कर्ष निकाला कि जंतुओं के सांस लेने व मोमबत्ती के जलने से हवा के जिस अवयव का उपयोग होता है पौधे उसी अवयव को बनाते हैं। इस अवयव के खोज के कई साल बाद इसका नाम ऑक्सीजन रखा गया। लोगों को यह तसल्ली हुई कि जब तक पृथ्वी पर पौधे होंगे तब तक हवा में ऑक्सीजन कभी खत्म नहीं होगी। पर सवाल यह था कि आखिर पौधों में ऐसा क्या होता है कि वे ऑक्सीजन बनाने में सक्षम हैं। हमने श्वसन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है कि जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन की ग्लूकोज के साथ क्रिया होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनने के साथ साथ ऊर्जा निकलती है। वैज्ञानिकों के मन में यह सवाल था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की क्रिया करवाई जाए तो क्या होगा। वैज्ञानिकों ने यह पाया कि पौधों में दिन रात चलने वाली श्वसन की प्रक्रिया के अलावा एक और प्रक्रिया चलती है जो सिर्फ दिन में चलती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस के बनने व कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है। अगर पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं से ऊर्जा जरूर मिलती होगी। पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? 18वीं सदी में जे इंगिनहाउस नामक एक वैज्ञानिक ने
एक प्रयोग के जरिए इसका उत्तर खोजा था। आइए इस प्रयोग को हम भी करके देखें।